अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार मुझे अपने बड़ों से ना, जो हमारे बड़े हैं, जो घर में बड़े हैं जी, ये जो बाहर यूट्यूब पे जो बड़े हैं, उनसे एक चिढ़ थी एक बात से। मैं बहुत ज़्यादा मुखालिफ था एक बात के, कि मैंने जब भी उनके सामने कभी कोई भंड मारा तो उन्होंने हमें समझाया नहीं, उन्होंने हमें जलील किया। मैं जबकि इस टाइप के बंदा हूँ कि मुझे भंड बताओ, मैं ठीक करूँगा उसको। तो ये इस तरह की गलती थी उनमें कि वो हमें जलील करते रहे, समझाते नहीं थे। तो मैंने इरादा किया था कि जब कभी आप लोगों से या मेरे छोटों से भंड होगा तो मैं उन्हें समझाऊंगा, जलील नहीं करूँगा। कल रात में हमारे साथ एक हादसा हुआ, हमारा 8 लाख का इक्विपमेंट चोरी हुआ। सलमान भाई आ रहे थे वापस इवेंट से, तो उनसे चोरी हो गया। मैंने स्टोरी लगाई इस नीयत से कि शायद कोई हमें हेल्प कर देगा, पुलिस का कोई बड़ा बंदा हमसे कांटेक्ट कर लेगा इसके थ्रू, या आपका अगर कोई पवा होगा तो आप उसको जाके वो बात बताएंगे कि यार इन लड़कों की हेल्प कर दो, इस तरह कोई सीन होगा। कहीं ना कहीं से हमें किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला कोई वसीला बना देंगे, हमें सामान वापस मिल जाएगा। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? रिस्पॉन्स आया, तकरीबन 20-30 बंदों ने भंड मारा है। ये कैमरा किसका लगा था? कैमरा तुम्हारा था या कैमरा नहीं था? ये वाला कैसे चोरी हुआ? कितने का सामान था टोटल? मतलब एक तरह से ना मज़े ले रहे थे, मतलब कोई काम की सवाल नहीं था ये, कौन से इलाके से चोरी हुआ, ये सब बात है। अच्छा, फिर इसका अगले लेवल क्या आया? कुछ लोग उसी स्टोरी पर रिप्लाई करके बोल रहे हैं कि यार हारून भाई आपने हमें शाउट आउट नहीं दिया आज तक, आज दे दें शाउट आउट। या हारून भाई मैंने पोस्ट बनाया, ये वाला पोस्ट चेक कर लें, या ये वाला ब्लॉग, इस तरह ना, मतलब अपने मतलब की बात है यार, इस तरह थोड़ी होता है मेरे भाई। जब अगर कभी किसी को सदमा लगता है तो आप उसके साथ जाके खड़े होते हो, उसको दिलासा देते हो, उसको भरोसा देते हो कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मसला नहीं, मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला ने कोई अच्छा सोचा होगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसलिए इससे अच्छी चीज़ रखी हुई है, इस तरह का सीन होता है। ऐसा ना हो कि कल को आप जाके किसी की ताजियत में बोल दें अब्बा किस कलर के थे तुम्हारे, अब्बा की दुम कहाँ है, अब्बा की तुम्हारी दुम होती थी लंबी, अजीब बेदों की बात है। खैर, गलती हुई है आपसे, कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं हुआ। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आप दोबारा भंड मारते हो तो मतलब आपकी फिर गलती है, सही है। मेरा फर्ज था या जो भी था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग किसी पुलिस के बड़े बंदे से कनेक्ट हो जाएंगे इस स्टोरी के थ्रू। अगर आपके कोई जानने वाला है या किसी जानने वाले का कोई जानने वाला है, कोशिश करें इन जो सीन हुआ है इसको पूरा फैला दें अपनी स्टोरी के थ्रू, या आप जिस जिसको बता सकते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, प्लीज़ इसको लगा दें। क्योंकि हमारा 8 लाख का सामान था और बनाने में हम लोग को तकरीबन 2 साल लगे, दिन रात की मेहनत लगी है, तो हमें इसने 1-2 साल पीछे कर दिया। और कल तक हम लोग बैठ के ना अगले अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे और आज जगह क्या हो गया, खैर अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कर दें, बहुत खुशी होगी। और बाकी अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो एक सैड इंसिडेंट के बारे में व्लॉग नहीं है, थोड़ी सी बातचीत करनी है आप लोगों से और एक सैड वाकये के बारे में बताना है। मेरे दोस्त सलमान सलीम, जिनको आपने हमेशा अक्सर मेरी वीडियो में देखा है, उनके साथ एक सैड इंसिडेंट हुआ है कल रात, तो वो चीज़ शेयर करनी है हमसे। तो सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो खैर, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन चीज़ तो वापस नहीं आ सकती। जहाँ तक मुझे पता है कि आज तक मैंने सुना किसी चीज़ वापस आई हो, तो हुआ ये था कि 2 बजे रात को मैं निकला गार्डन से, एक हॉल से, तो वहाँ से मैंने नोट नहीं करा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। एक मेरे साथ एक फोटोग्राफर थे शर्जील इफ्तिखार, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, तो तुम वहाँ से निकल जाना अपने घर उबर वगैरह करा के। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उबर करीम टाइम इस टाइम पर कभी नहीं आई। मैंने वैसे तो बड़ी तारीफ सुनी है इन ऐप्स के एप्लीकेशन की, तो जो इनको सपोर्ट करते हैं तो पहली बार तो पता नहीं क्यों करते हैं, दिन में तो आती हैं लेकिन रात में कभी नहीं आती। तो 3-4 राइडें कैंसिल हुई, फिर मैंने सोचा मैं इनके साथ चले जाता हूँ कि जौहर साइड से मिल जाएगी, घर के करीब से मिल जाएगी, क्या पता दूर का एरिया इसलिए नहीं आ रही हो। तो फिर हम नास निकले, तो हमने चेजअप के बाद से सर्विस रोड से रॉन्ग वे आए, रॉन्ग वे से हम नीपा के ब्रिज पर चढ़ रहे थे अलादीन आने के लिए। तो जैसे ही हम चढ़े, पहले एक बाइक ने क्रॉस किया, तो दूसरी बाइक जैसी आई उसने हमें बिल्कुल दबाया ऐसे कि उसने 4-5 टक्कर मारी। तो मेरे पास लाइट का स्टैंड है, मैंने वो लाइट का स्टैंड मारा उनके तीसरे बंदे को, तीसरे बंदे ने मेरी कमर पे गन रख दी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सका। फिर इतने आगे वाले बंदे की मीटर से चाबी निकाली और पूरी बाइक स्टैंड पे लगा के एक बंदा एक तरफ खड़ा हो गया, एक बंदा मेरे पीछे खड़ा हो गया, एक बंदा इस तरफ खड़ा हो गया, तीनों बंदों ने घेर लिया। तो उसी लाइट के स्टैंड से उसने फोटोग्राफर के सर पे भी मारा, तो उसका बैग भी लिया, मेरा बैग भी लिया, उसका फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन लिया, हमारे वॉलेट स्नैच हुए। पैसे मेरे पास नहीं थे इतने, 3-4 हज़ार थे, उसके पास 8-10 हज़ार रुपये थे, तो सब कुछ चला गया। उसके पास कैनन की 6G की बॉडी थी और 70-200 लेंस था, 24-105 था, 50mm था, 2-3 फ्लैश थे, लाइट का स्टैंड था और फ़ोन था। मेरा सोनी का कैमरा था 8600 और लेंस था 16mm, 30mm और 18-135, 2 फ्लैश थे उसमें और 5 मेमोरी कार्ड पे बैटरीज वगैरह थी। मेरा फ़ोन था सैमसंग A7। खैर,
सब चला गया। तो फिलहाल मैं बहुत मुश्किल से फिर उतरा, फिर मैंने उतरते ही उन्होंने कहा था कि ना हम तुम्हारा जो काम का सामान है वो नीचे फेंक देंगे पुल के नीचे ना, तो हम जब जाएंगे तो उसके 5-10 मिनट आके अपना सामान ले जाना। तो मैं इस सोच में नीचे उतर गया कि क्या पता सामान फेंका हो, कहीं आईसी मिल जाए, सिम मिल जाए, मेमोरी कार्ड मिल जाए, क्लाइंट का काम था। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम नीचे गए, हमने नीचे के 15 पे कॉल करी तो 5-10 मिनट में पुलिस आ गई। मैंने कभी स्पीड नहीं देखी इतनी, लेकिन मैंने कल इस बार को नोटिस किया कि पुलिस काम करती है। वो भी कोई दूसरा एक्सीडेंट होता वो कह रहे हम 5 मिनट लेट हो गए, वरना हम उसी वक्त आते। तो वो आए, उन्होंने फौरन वारदात को चेक किया, कह रहे हैं हम यहीं पे घूम रहे हैं, दो ग्रुप घूम रहे हैं इस टाइप के, लेकिन वो गलियों में गुजरते तो हम घुस नहीं पाते, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कंजेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि खैर आप जाएँ थाने में, जाएँ FIR लिखवाएँ कच्ची, और डिटेल तो आपने सारी जो होगा इंशाल्लाह SHO आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, कोई भी अगर चीज़ें मिलती हैं या बंदे पकड़ के आपको बुला के आपसे वेरिफिकेशन करवाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपका सामान मिले, यहाँ गला की कमाई की चीज़ ज़ाया नहीं जाती है। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैं कोई हम 3:30-4 बजे रोड पर खड़े रहे, फिर भी उबर कोई नहीं आई। फिर बहुत मुश्किल से एक अल्लाह का बंदा नवाजी प्रेसदार था वो उबर करीम वाला, उसको मैंने पूरा इंसिडेंट बताया कि ये हुआ, तो वो मुझसे पैसे भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा नहीं पैसे की बात नहीं है, मैं पैसे लूँगा लेकिन घर जाके लूँगा, पैसे थे नहीं मेरे पास, वॉलेट भी नहीं था, एक फ़ोन बचा मेरा, पता नहीं पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, वो एक छोटा फ़ोन है नोकिया, छोटा फ़ोन नोकिया का, वो उनके हाथ नहीं आया। तो वो फ़ोन बच गया तो मैंने घर पे भी इन्फॉर्म किया, तो घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। तो फिर मैंने दोस्तों को एक मैसेज कर दिया था, अम्मा वगैरह को सबको बता दूँगा कि मेरे ये मसला हो गया, तो मेरे नंबर कोई कॉन्टैक्ट नहीं करे ना व्हाट्सएप करे, क्योंकि स्नैचर ने मेरे फ़ोन अनलॉक करवाए थे मुझसे कोड पता करके। आप ये देखें कितने कॉन्फिडेंस आए थे, उनको पता था कि मतलब आगे पीछे कोई नहीं होगा, रिलैक्स होकर 3 बंदों ने बाइक पे उतर के उनको घेरा, मोबाइल अनलॉक कराया, तमाम चीज़ें की, रिलैक्स होकर उनको कोई इशू ही नहीं था। और मैं खाली उनकी गलती नहीं कहूँगा, 5 कार गुजरी हैं, 5 कार, अल्लाह ने कहा किसी का होगा और मैं गुजर रहा हूँ ना, मैं वहीं रोक के पहले तो हिट कर दूंगा जो भी होगा, ताकि वो अपनी पोजिशन से हट जाए, मेरी गाड़ी को नुकसान हो जाए कोई मसला नहीं। 5 गाड़ियाँ गुजरी, देखते हुए गुजरी, स्लो स्पीड में गुजरी, कोई भी नहीं रुका। खैर ये इंसानियत नहीं है ना कुछ लोगों में, वो होती तो भी ये स्नैचिंग होगी भी। मैंने खुद देखा 2 बाइकें गुजरी, उन्होंने कुछ नहीं करा। खैर और पकाया था, उन्होंने हमारी गाड़ी का प्लग तक निकाल दिया, प्लग का पूरा वायर खींचे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्हीं पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को डायरेक्ट भी किया, तार जोड़े, हमें मुझे तार जोड़ने नहीं आते ना बंदे को आते थे। शर्जील भाई थे, फोटोग्राफर का नाम है शर्जील इफ्तिखार, FIR उनके नाम पर कटी हुई है अधिपति थाने में। तो बस सब देखें अल्लाह बेहतर करे, और बाकी हमने ये सोशल वीडियो बनाई है। तो बताने का मकसद ये है कि इनका जो तकरीबन सामान गया वो 7-8 लाख रुपए का लॉस हुआ है, उनका इफ्तिखार साहब का और सलमान का जो है 7-8 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैंने आज तक कभी नहीं कहा आप लोगों से, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी वीडियो को देख रहा है उसके बाद अगर कोई महंगा इक्विपमेंट है कैमरे के रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो प्लीज़ उसको इंश्योरेंस लाजमी करवाएं, ताकि नुकसान का कुछ तो आपको रिइंबर्स हो जाए। अगर ये देखें ना, इतनी स्ट्रगल थी कि 3 साल की स्ट्रगल में आप यहाँ तक पहुँचे, और सिर्फ नैनो सेकंड में 3 साल पीछे हो गए। सारी फ्यूचर प्लानिंग है हमारी जो है, हम 4-5 दोस्तों की मिलकर था, क्रिएटिव एजेंसी थी, हमें एक वीडियो शूट करनी थी, हमें आगे ऐड मिला था, वो ऐड बनाना था 16 तारीख को। आई डोंट नो, सलमान बहुत स्ट्रांग आदमी माशाल्लाह, ये मैं इसको भी लेके आया इसके घर, तो ये हंस भी रहा था, बोल भी जाता था, गाने भी गा रहा था। तो मैं होता तो शायद नहीं, अल्लाह पाक किसी को ऐसा ना करे, ऐसा मौका किसी ना आए, लेकिन ये वाकई बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है ये इंशाल्लाह जल्दी वापस सब चीज़ें कर लेगा। लेकिन आप सब लोग जो भी यूज़ करते हैं रात के वक्त, खास तौर पर लेके निकलते हैं अपना इक्विपमेंट, तो एहतियात से करें भाई, बाइक पर ना जाएं, गाड़ी में निकलें, गाड़ी में निकलें और इंश्योर करें। और मेरी बात माने तो इतने रात के इवेंट पकड़े, मेरी गलती थी, तो और फिर देर भी बहुत हो गई थी, 1:30-2 बजे मुझे लोग काफ़ी लोग, ये लोग सब मना करते हैं कि रात में लेके नहीं जाया करो, सुबह भी लेके नहीं जाया करो, बाइक पे नहीं लेके जाओ, गाड़ी में जाओ, मेरे का तो कभी हुआ नहीं आज तक 3 साल में। अक्सर इवेंट से मैं इसके साथ होता हूँ, कल इसने पता नहीं मुझे नहीं हो सकता, हम लोग होते तो शायद, लेकिन होने वाली बात थी, कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। मैं होता गन के आगे तो किसी, जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं करता, लेकिन ये है कि आप लोग अपनी एहतियात पूरी रखें, अपने एक महंगे इक्विपमेंट्स को लाजमी इंश्योरेंस करवाएं, ताकि आपको रीइंबर्स तो हो कम से कम, और इस वीडियो को फैलाएं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी चीज़ों का IMEI नंबर और सीरियल नंबर डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, अगर आप लोगों की तरफ से कोई हेल्प हो सके तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, हम खुद रब्ता कर लेंगे उनसे। ये इक्विपमेंट जो है, जाहिर सी बात है, जिसने भी चोरी किया है, जिसने भी छीना है, कहीं ना कहीं तो सेल होगा, कहीं ना कहीं वो लाजमी सेल करेगा, किसी चोर बाजार में, किसी इस तरह की मार्केट में जाके वो सेल करेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस तरह कोई भी चीज़ आपके बिकने के लिए आए, आपको पता चले कि बंदा बेच रहा है, तो किसी तरह हमसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं अपना GMAIL ID और
तमाम चीजें हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज रब्ता जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई की जो है ना सम्मान भाई की बहुत मेहनत के पैसे, मुझे पता है इसने जैसे चुड़िया एक ही चीज जोड़ती है ना, इसने बिल्कुल उस तरह जोड़ा था और आज जो सब खत्म हो गया। इस उम्मीद पे आइंदा ऐसा इंसिडेंट किसी का साथ नहीं होगा, पुलिस वालों ने बड़ी हेल्प की हमारी, उसके लिए बेहद शुक्रिया, आगे भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वो हेल्प करेंगे हमारी। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने इक्विपमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।